الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا وشدوا بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمي فإن من دونك الدنيا مضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا कोई जुबान भी खामोश न रहे। अस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। जब पाक पढ़ने की बारी आए मोहब्बत करके पढ़ा करें, दीवाने की तरह पढ़ें, ठीक है। और मैं ये आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हुज़ूर ने बिलाए सलाम फरमाए औ अंता मजनून, सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इस तरह जिक्र करना है कि देखने वाला समझे कि दीवाना हो गया। सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इस तरह जिक्र करना है, दौरान जिक्र अंदाज इस तरह का होना चाहिए कि अवजुनू, देखने वाला समझे कि यह दीवाना हो गया। और अगर आप अपने बुजुर्गों को पढ़ेंगे तो आपको कदम कदम पर दीवानगियाँ नजर आएंगी। हजरत रावे बसी रहमतुल्लाह, आप तसव्वुफ में एक नाम है, सनद है, दलील है, पैरवी के लिए की गई आपकी बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत बड़ी हस्ती है। लिखा है कि एक दिन ना वक्त रात का था और आपके घर से ना शोर बुलंद था और आप फरमा क्या रही थी, हाय बाग हाय बाग। वो जो वाला इलाका तो नहीं समझे, शायद आज बसी रहमतुल्लाहि तआला अलैहा के घर में आग लग गई। वो आपकी जान में कोई नहीं आया, सब ने अपने अपने घर से बर्तन उठाए और कुएं की तरफ भागे पानी लाने के लिए कि आग बुझानी। जब सारे पानी लेके वापस आ रहे थे तो रास्ते में बुजुर्ग थे जो वहाँ से नींद में से थे, आपने सबको रोक लिया। पर मैं कितने चले, उन्होंने कहा हजरत राबिया पुकार रही हैं हाय आग हाय आग, हम ये पानी लेके उनकी आग बुझाने जा रहे हैं। अब उन फरमाई वो आग नहीं है जो पानी से बुझे, ये वो आग नहीं है जो पानी से बुझे, ये इसके इलाही की आग है उसकी दीदी से बुझेगी। सूरत खलक पुजारी आज़म उसकी हमद की लिखा मेरी हमद दे किसकारी है, टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरे रोने का पता देता है। मेरे सैयदी का शेर, गा मट्टी पे उगा देता है, घास हरी सी पानी से बना देता है तस्वीर परी सी। ये हमारा कल है, खूबसूरत तरीन कल है। और मैं पता नहीं बात करूं या ना करूं, हमने तो अपने स्टेजों से वैसे हमद को निकाल दिया, पर ही कोई नहीं, सारा सारा रात लगे रहते हैं। और कुर्बान जाऊं ये नबी साहब जेल में श्री साईं गोरुद्दीन रहमतुल्लाह, ये हमारे उधर के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, वो वैसे ही सिलसिला था। अपना हज पे तशरीफ ले गए, अल्लाह ने करम फरमाया, साथ मुरीद भी थे। जब तवाफ़ बैतुल्लाह शुरू किया ना तो दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया ऊँची ऊँची, अस्सलातु वस्सलाम अलैका, मुरीद बड़े आराम हुए, भाई यहाँ तो पढ़ना है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह। बहरहाल मुरीदों ने पीरे कामल की पैरवी की, सब दुरूद पाक पढ़ने हज कर लिया, मदीना पाक हाजिर थी।
जब जालिम के सामने हाजिर हुए तो वहां खड़े होकर इस करते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला मुरीद बड़े हैरान हुए, जहाँ दुरूद पढ़ना था वहाँ सा वहाँ तस्वीर है, जहाँ तस्वीर कहनी थी वहाँ दुरूद है, पर मुरीदों ने भी पैरवी की, दुरूद पढ़ने लग पड़े। जब हजरत होटल में तशरीफ लाए ना तो सारे मुरीद कर दें हजरत ही की थी, जिते तस्वीर आ गई थी उसे दुरूद कहते सके, जिसे दुरूद पढ़ना सी उसे तस्वीर पढ़ दे सके। आपने फर्मी भी कर रहे हैं कि मक्का शरीफ जड़ा ना हो गया अल्लाह का घर, तो एक कायदा है कि महबूब महबूब का जिक्र सुन के खुश होता है, रब का सी मैं महबूब का नाम लेना शुरू कर छड़ा तो जब मैं मदीना पाक गया ना तो बार गए मुस्तफा में हाजिर था, वह मैंने तस्वीर कहनी शुरू कर दी, मुस्तफा खुश हो गया, पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अल्लाह को क्या पसंद है महबूब को क्या। हाँ जी मैं बाकायदा हदीस मौजूद है, हुजूर नबी सलाम के हाथ से अभी आदरे हिम्मत है, आपने फरमाया मेरे सहाबी मुझे कुरान सुनाओ, मुझे नाम के बाद अबू मूसा अशरी थे या भाई मुकात थे, आपने फरमाया मेरे सहाबी मुझे कुरान सुनाओ, सहाबी आगे से लोग प्रेस करते हैं महबूब कुरान तो वो है जो आपके कल्ब या दिल पे उतरे, हमने कुरान आपसे सीखा है, मैं आपको कुरान किस तरह सुना सकता हूँ, तो आगे से महबूब अलैहि सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबी कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने रब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं, तो हजरत रावे वसीम रहमतुल्लाह ताला ने ये दीवानगी है वो आप शख्स में को आपकी हिम्मत में कोई शख्स आ देता गुफ्तगु हो रही थी दरमियान में पर्दा आया था, उसने मैं दौरान गुफ्तगु शैतान का नाम ले लिया, तो आप उसे हैरान होकर पूछती हैं ये शैतान कौन है, तो क्योंकि ये कोई ऐसा गैर मालूफ नाम तो नहीं कि रावे जैसी हस्ती को शैतान का पता ना हो, या तो हमारी इब्तदाई है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو حضرت رب جیسی ہستی کو شیطان کا نہیں پتا تھا, وہ اس شخص کی بھی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی, وہ بھی حیران ہو کے حضرت رب سے پوچھتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا, آپ آگے سے جواب دیتی ہیں تیرے منہ سے سنا ہے میں نے تو رحمان کا سنا ہے, سبحان اللہ سبحان رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی لاؤ وہ دیوانی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کوئی کس نے نہیں جانا ہے سب نے جانا ہے, لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے بھی ان جیسے ہی جانا ہے, نہیں ان کے جانے میں ہمارے جانے میں بڑا فرق ہے, کیونکہ ان کے لیے موت موت نہیں ہوتی, ان کے لیے تو موت پیغام وصل ہوتا ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کہتی ہے میں نے ہلو کہتے ہیں ہم نے کبھی حضرت بلال کو تیار نہیں دیکھا, بڑے بڑے مواقع آئے جب بھی دیکھا موت نے رسول کو ساتھ آئے, بس یہی کی بات ہے یار دیکھا اس دن کسی کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی, سب حاضر خدمت ہوئے آگے کرتے ہیں موت نے رسول آدھی کو خاص ہی موقع ہے, آپ نے فرمایا خاص نہیں خاص خاص موقع ہے, عرض کی حضور اسی لیے آپ اتنے تیار ہیں, کیا ہے آج فرمایا آج میری موت کا دن, حضرت کو اپنی موت کے لیے نہ تیار ہو رہا ہے, فرمایا تمہارے لیے موت ہے میرے لیے پیغام وصل ہے, جو حضور بلے شاہ نے لکھا تھا نا فرماتے ہیں گھڑی 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 آل بجاوے رین و سبزی پیا کٹاوے, ان کے بام میں کچھ ان کے لیے موت موت ہے, موت تو میرے لیے جس میں اس دنیا سے جی لگا دیا, میں نے اوکھا لگنا ہے گھڑی چھٹ کے جانا بگلا چھٹ کے جانا میرے لیے اوکھا ہے, لیکن انہوں نے دل لگا ہی نہیں, ان کا تو دل کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف دوا, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف دوا, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا, انہوں نے دل لگا ہی نہیں ہے, ان کو کیا لگے انہوں نے پہلے سارا کچھ سمیٹ سمیٹ کے رکھا ہوتا ہے, تو پھر انتظار کر دیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کہ تم آڑ تے چلیے محبوب ہیں, گھڑی گھڑی گھڑیال بجا رہی رہن مسلتی پیا گٹا رہے ہیں, تو یہ نہ کو سمجھے کہ ہمارا ان کا جانا کچھ اور ہے, ان کا جانا کچھ اور ہے, یہ میری طرح نہیں ان کا جانا ہے, تو لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نزا کی کیفیت تاری تھی آنکھیں بند فرما کے, تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں تو اس کو کلمہ تلقین کریں, ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے بآواز بلند پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے پڑھ گئے, اب حضرت جنید کو تو نہیں نہ پڑھانا تھا, انہوں نے تو زمانے کو پڑھا دیا حضرت, لیکن کچھ ہوتے ہیں کر کے بارے ان کو پتہ نہیں ہوتا کون سی بات کہاں ہے کون سی بات کہاں نہیں کرنی, میں نے پڑھا ہے کہ وہاں ایک ایسا شخص کھڑا تھا
हजरत की आंखें बंद थी, वो आपकी बारगाह में अर्ज करता है हजरत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्तकामत का भी पहाड़ थे और अखलाक का भी कोहे गिरां थे, बड़े बहुत बड़ा अखलाक था उनका। अपनी आंखें खोल दी और मुस्कुरा के उस संगी को फरमाते हैं वो बेलिया याद भी उन्होंने करा दे जरा कभी भूले ही नहीं है, याद भी उन्होंने कराए जरा कभी भूले ही नहीं है। और कितना याद किया होगा हाँ बकायदा लिखा भी है, मैंने तसीहुल बयान में मैंने पढ़ा है इसको कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो आप खत बनवा रहे थे, ठीक है मेरियाँ तो जरा वाह ही बड़ी है ना, आप खत बनवा रहे थे। वो पहले वो हजरत का जो है ना वो उसने जो है ना जुल्फ तराश फिर उसने हजरत की रेश मुबारक दुरुस्त की और मैं आपको दावत दूंगा सोनी तरह की दाढ़ी रखो, हाँ जी जो दाढ़ी लो आगे बीबी रखनी है तो डूब जाना चाहिए सब बीबी की दाढ़ी बनानी और बात है तो बताएं मैं उसका भी आपको जवाब देगा। तो अगर सिर्फ आप बीबी रखने के लिए या बीबी को खुश करने के लिए आप दाढ़ी रखा लें तो मैं कहता हूँ यार इसको रखो जल्दी। और ये मैं आपको अपने बाबे की सुना देता हूँ क्योंकि सौ सुनार की एक लोहार की आप अपनी पंजाबी और सादी जुबान में फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे बेलिया एक कख रख लै, बेलिया एक कख रख लै। तो किसी ने आगे से की हुजूर की होएगा कख रखी, आपने फरमाया कल तेरा भी कख रह जाएगा, कल तेरा भी। ये बातें शायद आज आपको समझ नहीं आ रही, अब मजाक उड़ाते हैं आगे से उलमा ये आपको कल पता चलेगा। और मैं जाते जाते इस्लामाबाद वालों आपसे एक बड़ा सादा सा सवाल पूछने लगा, सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हो, पंजाब कॉलेज का अपना यूनिफॉर्म है, सुपीरियर का अपना यूनिफॉर्म है, इसी तरह ने ठीक है जी स्पायर कॉलेज का अपना यूनिफॉर्म है, अब आपने जवाब देना है। बंदे ने यूनिफॉर्म पाया है पंजाब कॉलेज का तो सुपीरियर का भी बढ़ देना, भाई तेरा यूनिफॉर्म ही नहीं हमारे वाला तू कितने आंडे हैं जा अपने कॉलेज से जितने यूनिफॉर्म पाया था। अच्छा जी बंदे ने यूनिफॉर्म पहन रखा है स्पायर कॉलेज का पंजाब कॉलेज का उन्हें की कहना गेट से चौंकी उन्हें कहना मियाँ जी गलत आ रहे हो तेरा यूनिफॉर्म नहीं साढ़े मैं कहना जी कल कितने साढ़े नहीं है फरिश्ते आकर मियाँ जी यूनिफॉर्म हुजूर वाला नहीं है कितने हो जाओ हैं कितने है ना हो फरिश्ते आकर मियाँ जी यूनिफॉर्म नहीं बदीने वाला हाँ जी चेक करो जरा अपने आप को जरा चेक करो अपने आप को यूनिफॉर्म नहीं बदीने वाला जिथे का यूनिफॉर्म उठे जाओ तो की पल रह जाना इसलिए तो जी सुन करके रखो कुछ भी नहीं होता है इंशाल्लाह फजल ही ताला सत्य ही खैर है अल्लाह के फजल कर। तो वो हजरत ने अपनी रेश मुबारक जो है ना वो नाई अबारी आई आपकी लबे दुरुस्त करने की तो वो नाई है ना वो उस तरह करीम की तो हजरत नाई के फटे पे बैठ के भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे उसने उस तरह पीछे कर लिया अर्ज करता है हजरत अब जिक्र फरमा रहे हैं होंठ हरकत में ये उस तरह लोहे का ये नहीं देखेगा लब दुनियादार के हैं केवल ही के काट देगा अब थोड़ी देर के लिए जिक्र का सिलसिला रोक दें ताकि मैं मुझे दुरुस्त करें आप आगे से फरमाने लगे हो संगिया तू चला उस तरह बोल बढ़ता है तो बढ़े जान दे मैं नहीं जागता जिक्र छड़ना आज आज लाओ इसीलिए तो इकबाल कहते हैं ना भाई मुझसे उसको उर्दू का बैर नहीं बना गया खुश आमद खुश आमद खुश आमद आशिक मदीना आशिक कुरान आशिक फलाना आशिक फलाना आशिक फलाना आशिक फलाना कहता है मुझसे ये नहीं हुआ इकबाल ने कुछ कड़वा लिख दिया क्या इकबाल कहते थे तो आप आओ तुम्हारे ही मगर तुम क्या थे तो आप आओ तुम्हारे ही मगर तुम क्या। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं अल्लाह ने फजल किया और अरसा दराज तक मैं हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला की बारगाह में हाजिरी देता रहा बहुत बड़ी हस्ती है। तो मैं कहता हूँ ये हैं अली वाले हाँ ये अली वाले मैंने पढ़ा है कि हजरत सुफयान सौरी आपकी बारगाह में हाजिर हुए तो लिखा है कि आपने बड़ा कीमती जुबा पहन रखा था तनकीद बराए तनकीद नहीं जो आज मेरे माशरे का मिजाज बन गया नहीं तनकीद बराए इस्लाह खैर खाई मोहब्बत एक दूसरे के साथ हजरत सुफयान सौरी इमाम जाफर सादिक की बारगाह में अर्ज करते हैं हजरत एडा तुझे जुबा पाया है ना ए खानदान नबूवत का लिबास सादगी थी ना मौला अली सादगी इमाम हुसैन सादगी इमाम मोहम्मद बाकर सादगी रजी अल्लाह तआला ने मुझमें उस करते हैं हुजूर ये खानदान नबूवत का लिबास नहीं है
लिखा इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने उस जुब्बे के बटन खोले तो नीचे आपने बोरी का लिबास है। आपने फरमाया सुफियान जुबा लोगों ने पाया है तां उत्ते पाया है, बोरी अपने यार ने पाई है तां थले पाई है। कितना इखलास है, कितना इखलास हां जी। और आज हमने इखलास का जनाजा निकाल दिया बच्चे वो जी हजरत अम्र बिन आस जिन्होंने मिस्र फतह किया है। और फरमाते मिस्र तो मैंने फतह कर लिया लेकिन मिस्र के बादशाह का ताज नहीं मिल रहा था, मैं बड़ा परेशान। हजरत उमर फारूक को क्या जवाब दूंगा, इतनी लापरवाही तुमने ताज ही गुमा दिया। फरमाते मैं किस कहाँ तलाश करता उसको। और फरमाते मैं परेशानी में टहल रहा था, कहते एक शख्स आया जिसके हाथ में एक थैला था, ठीक है। और फरमाते उसने अपने इमाम से मुंह छुपाया हुआ, कहते मैंने देखा तो उसकी जूती का तस्मा टूटा हुआ था। और फरमाते मैंने देखा तो उसके कपड़े पे लादाद पैबंद लगे हुए थे। और फरमाते वो आया सलाम कहने के बाद उसने थैले में से ताज निकाला और उसने माले गनीमत के ढेर के ऊपर रखा। कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, सलाम कह के फिर वापस। फरमाते मैं तो सकते की कैफियत में था, ये बंदा कर क्या गया, जूती टूटी कपड़े फटे, मुझे तो पता ही नहीं था ताज किसके पास है, मैं तो तलाश कर ही नहीं सकता था, मैं तो किसी का नाम लगा ही नहीं सकता था, इतना जिगरा इतना करेजा ये ताज लगा दिया। और फरमाते मैंने उसको पीछे से पुकारा, मैंने कहा ठहर हो यार, ठहर गया। मैंने कहा मुँह तेरी मेरी तरफ कर। और फरमाते उसने कर लिया, या तो मैंने उसको कहा कपड़ा हटा और अपना चेहरा दिखा कौन है। फरमाते उसने चेहरा नहीं दिखाया बल्कि मुझे आगे से क्या कहता है, अमर विनाश मैंने जिस अल्लाह के लिए ताज वापस किया वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। आज तेरे रजी मसीह तेरी दुआए कुलूद भी फ्लैक्स लाई है थले बुरा अपना शजरा लगे हम बैठते हैं फलाने 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 के सारे सब अपनी नेकियां बचाओ अखलास के रास्ते पे चलो अखलास के रास्ते। और मैं कहता हूँ वो नेकी जो अखलास के साथ की जाए जी उसका तो मजा ही अपना है, उसका तो मजा ही अपना है। और आज दिखावा उम्मत का बेड़ा रोड़ रहे अगले इससे बचो अखलास लेके आओ अखलास लेके। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं मैं अरसा दराज तक आपकी खिदमत में हाजिर होता, फरमाते जब भी गया आपको तीन में से किसी एक काम में मशगूल पाया, यहाँ आप नमाज अदा फरमा रहे होते थे, यहाँ आप तिलावत कुरान करीम में मशगूल होते थे। फरमाते अगर दोनों काम नहीं कर रहे होते थे तो फिर रोजे से जरूर होते थे, थे तो आवा वो तुम्हारे ही है। और मैं मुझे ये बात बड़ी पसंद है, मैं सुनाता भी हजरत हारिस मुहाशमी रहमतुल्लाह एक नाम एक सनद एक दलील आज तो किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए और ये मेरा फख्र है कि मैं दो बारी भौम के चूल्हा शरीफ ही जाना हाँ जी। मैं अपनी वालदा साहबा की तरफ से भी चूल्हा शरीफ है और मैं जो इस वक्त जो मिसबाही रह गया ये भी चूल्हा शरीफ कर देता है। मुर्शी हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मिसबाहुल्लाह खादिमी, ठीक है, मेरे दादा शेख रूमी असर गजाली जमा अकीम अब्दुल हई नक्शबंदी मुजद्दी रहमतुल्लाह, मेरे परदादा शेख अकीम खादिम अली नक्शबंदी मुजद्दी करीमी, और उसके बाद हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह, उसके बाद बाबा जी फकीर मोहम्मद रहमतुल्लाह। मैं दो बार अपनी वालदा की तरफ से भी चूरा शरीफ जाता हूँ, अपने जो अब मेरी बहन है मैं उस हम चूरा शरीफ जाते हैं हम चूरा। और हजरत समझते हैं आज जो खानकाओं के हालात हैं, आज आज वो रंग वो ढंग वो अंदाज हजरत वो फीके पड़ते जा रहे हैं, वो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मामी है। और कमाल हजरत जी आप फरमाते हैं, अब लिखते हैं बाबा साहब आप फरमाते हैं मैं मुरीद होने के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हूँ। पहले जब आपका शोरा हुआ फरमाते मैं बैत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, कहते जब मैं पहुंचा ना क्योंकि कहते हैं माशाल्लाह उलमा मौजूद हैं, कहते हैं बादशाह के दरबार में जाओ तो सारा कंट्रोल में रखो, उलमा की मजलिस में बैठो तो कलाम कंट्रोल में रखो, जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठो तो अपने ख्यालात को कंट्रोल में रखो। बाबा साहब फरमाते हैं मैं हाजिर खिदमत तो हुआ लेकिन ख्याल को कंट्रोल नहीं कर सका, वो क्या, कहते हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने एक खुश्क तने के साथ ना टेक लगा के बैठे हुए थे, खुश्क तने के साथ, कहते मेरे दिल में ख्याल आया फरीद टाइम ही जाया करते हैं कितने आ गए एक ही सादा वली कि दरहत नाल टेक लाए तो दरहत खुश रह जाए, कहते बस ये ख्याल आना था तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने दरखत पर नजर डाली।
ते आपका नजर डालना था कि दरख्त सरसब्ज शादा हो गया, टानियां निकल आई, पत्ते पड़ गए, फल आ गया, ते मैं बड़ा हैरान हूँ। कहते आपने फिर निगाह मुबारक डाली, दरख्त फिर खुश कर दिया। कहते फिर नजर डाली, फिर सरसब्ज शादा, फिर नजर डाली, फिर खुश। कहते आपने दो तीन बार इसी तरह किया। और करके ना ये है फिक्र खान का, कहते हैं करके ना दो तीन बार इस तरह। कहते फिर मुझे मुखातब करके फरमाने लगे, ओए फरीद तू फकीरी करना है कि रब ना लड़ाई लेना है? तो फरीद तू फकीरी करने आया कि रब से लड़ाई लेने आया? बाबा साहब फरमाते मैंने सुल्तान हिंद की बारगाह में उसकी हुजूर लड़ाई की हुई। वो फरमाने लगे फरीद जो जी मर्जी है कि खुश अगर तू जरूर है मोहरा करना है। कहां गई वो बातें, कहां गई वो बातें? नहीं हजरत जी यही रंग है, ये रंग ले गया हो आज सिलसिला फंस चुका है, ब्रेक कर गया वो सिलसिला। तो इकबाल ने कहा था शराबे कोहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लाखा सा तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोने सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, मेरी नाव गर्दाब से पार कर, ये साबत है तू इसको सैयार कर, खलो गई थी कश्ती उतरे, भटके हुए आहू को फिर सूए अलम ले चल, इस शहर के खोकर को फिर वसत सहरा दे। वो जड़े मदीने नु तुरे सन कि मदीने चलिए, को रस्ते च बाग वेखदा पिया, को रस्ते च पहाड़ वेखदा पिया, खलो गए थे निकलिए दुरी रुक गया है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते जिसके दो दिन एक जैसे हैं वो नुकसान नहीं है, जिसके दो दिन एक जैसे हैं। और मैं किसी के लिए तुम्हें कहूँगा एक से बढ़ के एक नेक बैठा हुआ, मैं अपने लिए कहूँगा वो सुलेमान मिसबाही को या कर तेरे तेरे साल एक जैसे नहीं है, बल्कि तू दिन ब दिन पीछे जान गया, निकलो। कुर्बान जाऊँ हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और जो भी सालिक शर्त के अलावा खाए, अकीदा खराब ना हो जाए और अपने बुजुर्गों के रास्ते पे रहे और अल्लाह अल्लाह करता रहे, तो फिर एक दिन वो भी जज्बो मस्ती की इस मंजिल पे पहुंचेगा कि वो भी क्या उठेगा, कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जमीन नयाज में। फिर सालिक पर जरूर वक्त आएगा जब वो भी बुल्ले शाह की तरह टुकार उठेगा, घूंघट चक लै सजना भी उन शर्मा कानू रखी है, ये लाजिम है हर साल एक वक्त आएगा, लेकिन रहे अपने बुजुर्गों के रास्ते पे, अकीदा ना बदले, खाए हलाल जो शेख बताए उस पर ये वक्त आएगा। और हजरत अबू बकर शिबली फरमाते हैं मुझ पर भी आया, फरमाते हैं आया मुझ पर भी वक्त, और मैं अपने पीरों मुझसे हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर हुआ और कहते जाके मैंने अर्ज की हुजूर को निगाह फरमाओ कि वसल है, निगाह फरमाओ कि वसल है। कहते शायद खामोश रहे, कहते मैंने फिर अर्ज की खामोश रहे, कहते मैंने तीसरी बार अर्ज की खामोश रहे, कहते अदब का तकाजा था मैं खामोश रहा, कहते मैं उठ के ना आ गया। कहते जो शायख ने वजीफा दिया था मैंने जनाब वो निकाल के ना तो मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फरमाते मैं वजीफा पढ़ रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहते पढ़ते पढ़ते दिल में से ख्याल सा उठा क्या अबू बकर तो वो ही है। कहते वो ख्याल वो वसवसा मुझ पर इतना गालिब आया कि मुझसे वजीफा ही ना पढ़ा जाए। फरमाते मैंने तस्बीह रखी नीचे, फिर मैंने खुद को कहा अबू बकर ख्याल ही नहीं आया, खुद तो आ गया है, चलो और खुद को टेस्ट करते हैं कि मैं बुखील हूँ कि सब। कहते मैंने नीयत की आज गैब से जो भी आएगा ना मैंने अपने पास नहीं रखना, मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। कहते नीयत करके तस्वीर पकड़ी थी तो एक शख्स ना 50 होने किसी के लिए गया है, नीयत कर चुका था। कहते मैं उठा और किसी शरीफ फकीर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कहते गुजर रहा था तो रास्ते में हजरत जुनैद बगदादी मिल गए, फिर कहते आप खत बनवा रहे थे। कहते मैंने कहा किसी को क्या देंगे, फिर मुर्शिद की बारगाह में पेश करता हूँ। कहते मैं हाजिर हुआ और मैंने जाके इसकी हुजूर कबूल फरमा। कहते जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला जिक्र फरमा रहे थे, आपने जिक्र नहीं छोड़ा, मुझे आँख के इशारे से फरमाते हैं कि पैसे ना ही मिले
हजरत अबू बकर फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कोई नाई दी उजरत एक चांदी का सिक्का है और एक 50 सोने के सिक्के, जिसकी उजरत चांदी का एक सिक्का है। हजरत फरमा रहे हैं 50 सोने के सिक्के दे दे। कहते मैंने दिल में ख्याल किया शायद हजरत को पता नहीं ये क्या है। कहते मैंने इसकी हजूर यदि उजरत एक चांदी का सिक्का है, एक 50 सोने के सिक्के ने, तेरी उजरत एक चांदी का सिक्का है, सिक्का है तुझी फरमा रहे 50 सोने के सिक्के दे दे। तो फरमाते हैं हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुरा के फरमाने लगे अबू बकर असी एवं तो नहीं किया कि तू वकील है, असी एवं तो नहीं किया तू वकील है, तू तो अभी सोने और चांदी में फंसा हुआ है, तू तो अभी सोने और चांदी में फंसा हुआ है। फातिल करता है वसल की जा निकल गले में से वसल की मंजिल अभी अबू बकर बड़ी दूर खड़ी है और फंस गए हैं। कोई अपने कोर्ट च फंस गया है, कोई अपनी पब च फंस गया, कोई अपनी डिग्री च फंस गया, कोई कितने फंस गया। आओ जी निकली है और मैं अनवीर भाई को पता है मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इससे आसान क्या करके बताऊं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम और हमारे दरमियान जो दीवार आ गई है ना, वो दीवार कोई और नहीं है, वो दीवार सुलेमान खुद ही है। हाँ जी क्या हजरत ने उठाई नहीं वो दीवार, वो सुए लाल हजार फिरते हैं तेरे दिन है बहार फिरते हैं। कमाल कर दिया कमाल है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे। अब जो इमाम ने बोला मैं तो नहीं बोल सकता, उठा दिए जी मैं की दीवार, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। निकले तेना कमाल, फिर देखो हुजूर नबी अलैहि सलाम का फैज किस तरह है, फिर देखो जी वो कर्म किस तरह बस रहा है, बट रहा है वो कर्म, बरस रहा है वो कर्म। लेकिन क्या है रूहानी तौर पे उम्मत दिन ब दिन हुजूर नबी अलैहि सलाम से दूर जा रही है। हकीकत कह रहा हूँ मैं, कोई आशिक कुरान थे आशिक फलां फलां का फतवा नहीं मानना आया थे, हम दूर जा रहे हैं और हमारी जाने भला जी पढ़ना नहीं आता। नकीब एक नोट की खातर अल्लाह माफ फरमा इतना बड़ा लफ्ज बोल देते हैं, आशिक कुरान अगर कहना तो वो सियाज उनको कहो दो। हाँ मैंने पढ़ा किला जी किसी ने हजूर वो सियाज रजी अल्लाह तआला की बारगाह में की हजूर आपके मुजाहदों की इब्तिदा क्या है, आपने फरमाया तो मेरे मुजाहदों की इब्तिदा पूछता है तो सुन फिर। अब्दुल कादिर ने 14 साल एक काम पे खड़े होके पूरी रात में एक कुरान पाक पढ़ा, 40 साल मैंने ईशा के वजू से नमाज फजर अदा की, वो थे आज के कुरान। ऐसे बाबे को कुरान पढ़ना कोई नहीं आता, एक नोट देते हैं आज के कुरान हो गया। नहीं जी अब बड़ी दूर है, बड़ी दूर है, महीने महीने गुजर के हमने कभी कुरान खोल के नहीं देखा है, हम दूर निकल गए हैं, हम दूर निकल गए हैं बड़े ज्यादा। इसलिए जी अब वक्त की भी बस कुछ कैद है, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं गुनागार आपका भाई खादिम नौकर उलमाए अहले सुन्नत की जूतियों की खाक भी मुझसे बेहतर है जी, यही तरलानी है जी। अमन अली बसे आज अमन अली सड़ी नमाज़ पूरी अपनी नमाज़ पूरी और जड़े नमाजी ने ओ खुदा दा वास्ता दे ना चको है ना मौलविया ना अलग ना मान प्यार पाओ ते नमाज सीखो, तुम्हें क्या पता नमाज क्या है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है देता है आदमी को हजार सजदों से निजात। हाँ जी वो एक सजदा करके तो उसको देखो लाखों सजदों से जान छूट जाएगी। आखिरी बात मैं बात करके खत्म कर दूंगा, हजरत सैयदना सालिम बिन अब्दुल्ला अब तवाफे बैतुल्ला में मशगूल थे जी। अब तो हजरत जी हुकूमती लेवल पे वो दौर ही नहीं है, उलमा बैठे हैं कभी इनसे सुने कि मंसूर मादी हारून मामून उन्होंने क्या कहने किया उलमा के साथ। वलीद बिन अब्दुल मलिक सुलेमान मरवान क्या कहते उनके अंदाज से किस किस तरह उन्होंने उलमा को कटवा दिया दरमियान में से रख के। अब तो है आज भी वो मामला लेकिन वो उनको पढ़ो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये इंसान भी थे क्या, क्या नहीं उन्होंने इमाम मालिक के साथ क्या नहीं करवाया, मंसूर ने इमाम अबू हनीफा के साथ मंसूर ने क्या नहीं करवाया। लिखा है हजरत सालिम आप तवाफे बैतुल्ला कर रहे थे, ये मंसूर आ गया इसके प्रोटोकॉल में तवाफ रुकवा दिया गया, इसको प्रोटोकॉल दिया गया हजरत सालिम ने नहीं तवाफ रोका, आप तवाफ करते रहे। अब मंसूर को बड़ा गुस्सा आ गया इन्हें मेरे लिए तवाफ क्यों नहीं छे, लेकिन हजरत जी रोक भी तो था ना एक है फरूकी हूँ रंग था हजरत जी रोक भी तो था ना एक कह कुछ नहीं सका।
उसने भी तवाफ पीछे पीछे करना शुरू कर दिया। लेकिन अब तवाफ करते करते ना अंदरों अंदर को प्रोग्राम बना रहा है कि कोई ऐसे का काम करा कि हजरत सालिम भी मेरे मन बना नहीं चाहते। ठीक है, तवाफ करता करता आपके करीब आ गया, सलाम करके कहता है हजरत तुम प्रोटोकॉल नहीं दिता तवाफ जी अगे रहे, मैं बड़ा खुश हूँ। अंदर से तो मर गया हो गया, हजरत मेरा दिल करता है आप उनको दें, बादशाह वक्त ना मंगो की मंगते। अब खड़े हो गए, गैरत इश्क से मंसूर हो गया। आपने फरमाया मंसूर तुझे शर्म नहीं आती, रब के घर में खड़ा करके मुझे दावत गुना देता है। उसने उसकी हुजूर दावत गुना किया हुई। आपने फरमाया तू तो कहता है मांग तुझसे, वो इससे बड़ा भी कोई गुना हो सकता है? खड़ा रब के घर में हूं मांगू तुझसे, खड़ा रब के घर में हूं मांगू तुझसे, इससे बड़ा भी कोई गुना है? आप ये कह के फिर तवाब में मशगूल हो गए, मंसूर भी पीछे पीछे चल पड़ा। आपने सात चक्कर पूरे किए, मकाम इब्राहिम पे दो नफल पड़े, नफली तवाफ था, पेट भर के आप जंजम शरीफ भी आप तशरीफ ले, ये भी पीछे गए। जब आप निकल गए ना हुदूद अरब से बाहर, इसने फिर हाथ पकड़ दिया आके और अर्ज करता है हजरत वाकई गलती हुई, माफी दे, माफ कीता हजरत, तुम तो मस्जिद चु बाहर होना हूँ कुछ मांग लो। आपने फरमाया अच्छा जो है नहीं देना, जैसे तुम दस दीन मंगा के दुनिया मंगा। अर्ज करता है हजूर दीन के तो आप बादशाह हैं, अल्लाह ने मुझे दुनिया ता की है, दुनिया में से मांग ले कुछ, रो पड़े। आपने फरमाया मंसूर तू की गल करना है, और जिस मेरे रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांग लूंगा? दो जहां से बेगाना करती है, दो जहां से बेगाना करती है, अजब चीज है लज्जत दुआ को कोई अंदर आशनाई का दीवा बहुत है, गाना कर देंगे। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो माहौल तो बना हुआ है, खत्म भेज गई है नजर है, फिर इंशाल्लाह कभी मैं इसी के बाद खत्म करूँगा। मुल्क दे मुल्क वाला ते मुल्क वाली, नबी वली ते पीर पैगंबर दर ते रहम सवाली, फुलाओं ते बुल बुल बह के गीत उसे दे गावे, इश्क कहानी मुकदी ना ही जे को सुनदा जावे। हमारी भी मजबूरियाँ हैं कुछ, आपकी बस हजरत रोज रोज असी पता की किवें पढ़ने हैं और नौ नंबर कर ले, एक बार दिल वाक, एक बार यह खबर करके दिल वाक यार रसूल अल्लाह इमाम क्या करिए, एक बार यह खबर करके कोई और पुकार रजत जी बाबू का किबला मुफ्ती साहब अपना अपना अंदाज हो, मेरे बाबा जी फरमाया करते थे, फरमाया करते थे चले आ रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा गलू ना लाई मिण मिण ना करी, रोज एक चिट्ठी मदीना भेजा, किसे दा ते जवाब आएगा ही ना, है अब कभी तू साहिब पूछेंगे, तू भेज दे सही रोज एक, कभी तू साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे है। और हजरत जी मदीना पाक तो वो खिता है जिसे कभी है ही कोई नहीं, हजरत उम्मती जो करे फरियाद हालेदार में मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है, है जी कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शायदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो है ये तेरा कर्म, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा है। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा, वाह क्या जूदो करम मैं शहे बदरा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो है मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा, वमा अलैना इल्ला अल बलागु।